वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मीम करेंसीज के बारे में, मीम क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, मीम कॉइन्स के बारे में। मीम कॉइन्स आप सबको पता होगा, बहुत सारे कॉइन्स हैं, कुछ टॉप के मीम कॉइन्स हैं जो आज के टाइम में मोस्टली सबके पोर्टफोलियो में होंगे, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। अगर हम बात कर लें यहाँ पे टॉप की मीम करेंसीज की, ठीक है, जैसे डॉज कॉइन है, शिबा इनू है। शिबा इनू अब मीम करेंसी रही नहीं है, ठीक है, एक टैग जरूर है, एक कैटेगरी जरूर है कि शिबा इनू को अभी भी उस कैटेगरी में रखा हुआ है, लेकिन जल्दी उस कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। आया तो था मीम करेंसी के तौर पर, लेकिन जो काम करके दिखाया 2 साल के अंदर, जो कुछ किया है और जो कुछ कर रहा है, अब मीम का टैग हटाने की पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पे शिबा इनू, हटा भी दिया है, ठीक है, ये जो लिस्ट में आ रहा है ये भी हट जाएगा। तो मीम कॉइन्स की क्या रियलिटी है, मीम कॉइन्स मार्केट के अंदर कितना प्रॉफिट देते हैं, क्या कुछ चीजें हैं, आज थोड़ा मीम करेंसीज को हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। अगर आप देखें मीम करेंसीज होती तो बहुत रिस्की हैं, रिस्की तो पूरा क्रिप्टो मार्केट है, रिस्क तो पूरा है। आप कोई भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें तभी आप कोई क्रिप्टो खरीदें, क्योंकि पूरा क्रिप्टो मार्केट ही रिस्की है। जहां आपने रिसर्च नहीं की वहीं रिस्क आपको मिल सकता है, तो हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें, ठीक है। तो मीम करेंसीज होती रिस्की हैं, एक मार्केट के अंदर एक हवा है कि भाई मीम कॉइन है तो रिस्की है, ठीक है, मीम कॉइन है तो ये है वो है, तो मीम कॉइन रिस्की है, ठीक है, हम भी कहते हैं मीम कॉइन रिस्की है, लेकिन मीम कॉइन्स को लेकर रियलिटी भी यही है, जितना ज्यादा रिस्क है मीम कॉइन्स के अंदर उतना ही अच्छा रिवॉर्ड भी दे के जाते हैं मीम कॉइन। भले ही काफी टाइम शांत बैठे रहेंगे, लेकिन जब इनकी रैली स्टार्ट होती है तो नॉर्मल रैली नहीं होती, एक ही झटके में काफी अच्छा रिटर्न दे देते हैं, और ये सीजन हमने पिछली बार भी देखा था, शिबा इनू 1000% पूरे बुल मार्केट के टाइम, उस टाइम पे कोई कॉइन अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पाया एक ही बारी में, यानी कि थोड़ा टाइम लिया, यहाँ पे टाइम लेके तो सभी कॉइन अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं, ऑल्ट कॉइन्स अच्छा प्रॉफिट देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनकी जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है, थोड़ी स्लो है, वो एक लॉन्ग टर्म के कॉइन्स हैं, धीरे धीरे आपको अच्छा रिटर्न देंगे ऑल्ट कॉइन्स, फंडामेंटल कॉइन्स, वो तो मार्केट के हैं ही, एवरग्रीन कॉइन्स हैं वो तो। लेकिन मीम करेंसी का ये है कि जितना हाई रिस्क है, जब बियर मार्केट स्टार्ट होता है तो इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, उतना ही प्राइस गिरता है, लेकिन इस बियर मार्केट हमने देखा सभी कॉइन्स नीचे गए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, जितने मीम कॉइन्स थे उन सब ने एक एक जीरो ऐड किया, ठीक है, सबके एक एक जीरो किल हो गए थे पिछले साल, और सबने एक एक जीरो ऐड कर लिया, क्योंकि मार्केट ही इतना नीचे आया तो एक एक जीरो ऐड करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतना नीचे जहां बिटकॉइन 70,000 से बिटकॉइन 17,000 पे आ गया, तो आप खुद सोच सकते हो मीम कॉइन्स का फिर यहां पे एक जीरो ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितना रिस्क मीम कॉइन्स में लगता है, दिखता है, उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी मीम कॉइन्स देते हैं, एक अच्छी रैली दिखा के जाते हैं, और जब इनकी रैली स्टार्ट होती है तो कभी कभी तो इतनी बड़ी रैली हो जाती है, जब से ये सारे प्रोजेक्ट, चाहे किशु इनू हो, बेबी डॉज कॉइन हो, और जितने भी मीम कॉइन्स हैं, डॉज इलॉन मार्स हो, फ्लॉकी इनू हो, ये सभी कॉइन्स को आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मार्केट में, एक एक दो दो साल पुराने ज़्यादा नहीं हुआ है, शिबा इनू 2 साल पुराना हो गया, मतलब 2 साल हो चुके हैं शिबा इनू को, और इसी मंथ बर्थडे है शिबा इनू को, आपको पता है, और अगस्त 2020 में शिबा इनू मार्केट में आया था, उसके बाद शिबा इनू को देख के ये सभी कॉइन्स आए 2021 में, बुल मार्केट का सीजन था। जब बुल मार्केट होती है ना तो नए कॉइन्स आते हैं, नए प्रोजेक्ट आते हैं, और नए प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा पंप भी ले लेते हैं बुल मार्केट के अंदर। वही चीज़ हुई किशु इनू, फ्लॉकी इनू, इनके आज इतने इतने होल्डर्स भी हो गए, लेकिन अभी जब ये बियर मार्केट स्टार्ट हुआ, पिछले 7-8 महीने से मार्केट देख रहे हैं, तब ये सारे कॉइन ठंडे पड़ गए, ठीक है, ओवरऑल पूरा मार्केट ही ठंडा पड़ गया। लेकिन मीम करेंसीज में एक रियलिटी यही है, रिस्क तो है लेकिन रिवॉर्ड भी कहीं ज़्यादा है, और जब रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है तो वो कहीं ज़्यादा रिवॉर्ड देके जाता है, आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाता है अगर आप इनको होल्ड कर लेते हो। इसलिए हम कहते हैं कि रिसर्च मीम कॉइन पे ज़रूरी है, सभी कॉइन्स पे ज़रूरी है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट SIP आप मीम कॉइन्स में कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ रिस्क है वहाँ एक अच्छा रिवॉर्ड भी मीम कॉइन से मिलता है, एक तरफ रिस्क है तो एक तरफ बढ़िया रिवॉर्ड भी है, ये रियलिटी है मीम कॉइन्स की। चाहे शिबा इनू हो, शिबा इनू तो टॉप पे है आज, डॉज कॉइन भी पंप कर रहा है, ठीक है, इलॉन मस्क साथ में खड़े हैं, तो ये दो करेंसी तो किंग हैं मीम कॉइन्स की, ठीक है, बाकी किशु इनू, फ्लॉकी इनू, बेबी डॉज कॉइन को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कम्युनिटी का,
काफी बड़े होल्डर वाली करेंसी हो चुकी है। तो ये सब जब रैली दिखाते हैं तो एक अच्छी खासी रैली दिखाते हैं, और जब ये मीम कॉइन्स अपने रंग में आते हैं ना तो फिर अच्छा प्रॉफिट दे के जाते हैं, और बहुत सारे लोग अच्छा प्रॉफिट बुक करते भी हैं मीम कॉइन से। रियलिटी यही है, ठीक है। उसके बाद सभी कॉइन्स का आपको पता है क्या कुछ होता है, उसके बाद जब एक अच्छा पंप आता है तो करेक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन रियलिटी यही है मीम कॉइन्स के अंदर। छोटा छोटा आप इन्वेस्टमेंट डाल के छोड़ सकते हैं, क्योंकि जीरो बहुत सारी हैं तो काफ़ी क्वांटिटी में आपको कॉइन्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ₹1 के लेवल इन कॉइन्स को आपको देखने में सालों लगेंगे। अभी शिबा इनू को थोड़ा अलग रख दें, शिबा इनू थोड़ा पहले दिखा सकता है। बाकी कॉइन्स की बात कर लें तो अभी आपको काफ़ी टाइम लगेगा ₹1 और $1 के लेवल देखने के लिए इन सभी कॉइन्स की। हाँ, जितनी जीरो किल करते जाएंगे अगले सालों में, कुछ सालों में, उतना अच्छा प्रॉफिट आपको होता रहेगा। तो अभी आप जीरो किलिंग पे ध्यान दो इन कॉइन्स की, जीरो किल करते रहें और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है। तब भी आपको होल्ड करना पड़ेगा, कोई 2 साल में 1 जीरो किल करेगा, कोई 2 साल में 2 जीरो किल करेगा, ठीक है। सबके अपने 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 अपना फंडामेंटल है, सबका अपना अपना मार्केट कैप है, अपनी सिचुएशन है मार्केट के अंदर, ठीक है, किसके अंदर ज़्यादा ट्रेड होता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन मीम करेंसीज की रियलिटी यही है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है मीम कॉइन से। यही कुछ चीज़ें थी मीम क्रिप्टो करेंसीज को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। मीम करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।